नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जेई सिविल डिप्लोमा और डिग्री के रिजल्ट को लेकर कुछ आपसे जानकारी शेयर करनी थी, आपके साथ जानकारी शेयर करनी थी कि जेई सिविल डिप्लोमा का फाइनल रिजल्ट है। कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि पिछले वीडियो में हमने बताया कि 25 सितंबर के आसपास एक दो दिन पहले या बाद में आ सकता है, लेकिन अभी तक नहीं आया है, तो उसका रीज़न क्या है? क्योंकि बोर्ड का एक नोटिस आया था कि फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद, यानी जो कंप्लीट उनकी प्रोसेस है वो होने के बाद 7 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। तो डिग्री के लिए फॉर्म में संशोधन का अवसर दिया गया है। तो अब डिप्लोमा वालों के लिए, कुछ स्टूडेंट के मन में ये संशय बना हुआ है कि डिप्लोमा का भी संशोधन का शायद बोर्ड कुछ सॉल्यूशन निकालेगा और एक मौका देगा। अगर ऐसा होता है तो रिजल्ट डिले होना आम बात है, और अगर ऐसा नहीं भी होता है तो अब 7 दिन का जो टाइम था वो बोर्ड का वो कंप्लीट हो गया, क्योंकि 20 तारीख को बोला हुआ था उन्होंने कि एक अंतिम अवसर दिया जा रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, वो भी आज कंप्लीट हो चुका है। तो अब अगर संशोधन का फॉर्म में एक और अवसर दिया जाएगा तो उसके बाद ही परिणाम आएगा। और डिग्री के रिजल्ट है तो उस पर उन्होंने आंसर की आपत्तियां मांगी थी, तो वो सबमिट हो चुकी है, और अब जो डिग्री का परिणाम है वो अंतिम रूप से तैयार किया जाएगा। रिजर्वेशन के हिसाब से सब कुछ उसको प्रिपेयर करने के बाद ही जारी किया जाएगा। और डिपार्टमेंट अलॉटमेंट वगैरह है, यानी जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया है, वो चांसेस है कि डिग्री और डिप्लोमा की एक साथ हो, क्योंकि ज्वाइनिंग की अनुशंसा है वो बाद में होगी, एक बार फाइनल जो रिजल्ट है वो आएगा। और कुछ स्टूडेंट है उनका जो डिप्लोमा में भी हुआ है और डिग्री में भी होगा, तो सीटें वैकेंट रहेंगी, उसके लिए वेटिंग लिस्ट भी आने के पूरे चांस है, जो 6 महीने तक वैलिड रहती है। कोई और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट